तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में टिकट को लेकर विरोध। अब पूर्व मंत्री राजपाल सिंह के समर्थक भी पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय, बीजेपी दफ्तर के बाहर अपना विरोध जता रहे हैं। राजपाल का टिकट काटने पर विरोध जताया जा रहा है। आपको बता दें कि छोटवाड़ा से जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है और इस सीट पर पहले राजपाल सिंह शेखावत को टिकट दिया जाना था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। और ऐसे में लगातार छोटवाड़ा से भी जो कार्यकर्ता है राजपाल सिंह के समर्थक हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर अपना विरोध जता रहे हैं। तो ये तस्वीरें, टायर जलाकर अपना विरोध जता रहे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर, और ये कोई और नहीं बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं जो कि अपना विरोध जताने पहुंचे हैं। हमारी मांग है कि हमारा प्रत्यक्षी राजपाल सिंह शेखावत साहब हैं, उनका ही टिकट दिया जाए। केंद्रीय नेतृत्व से मैं निवेदन करता हूं कि सांसद का बड़ा मालिक होता है, 8 विधानसभा का मालिक होता है, तो मैं निवेदन करता हूं कि 8 विधानसभा में झोटवाड़ा ही क्यों? आप विराटनगर से लड़ो, बड़े आदमी हो ना, कोटपुतली से लड़ो जो सबसे ज्यादा फंड दिया आपने, वहाँ आमेर से लड़ो, शाहपुरा से लड़ो, कहीं से भी लड़ो, झोटवाड़ा में क्यों? हमने 10 साल में इसको कांग्रेस सीट से बीजेपी में कन्वर्ट किया है और 5 साल गांव गांव ढाणी ढाणी जाके हम कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर रहे हैं, और आज पकी पाई का थाली पे आप बैठना चाहते हो, आप जिमना चाहते हो? राज्यवर्धन राठौड़ जिताऊ प्रत्याशी नहीं है या आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सीट अगर कोई निकाल सकता है तो राजपाल सिंह शेखावत ही निकाल सकते हैं। वो अपने कार्यकर्ता को नहीं जानता, मैं विजय वैशाली मंडल का महामंत्री वो मेरे को नहीं जानता 9 साल से। अगर कोई इसको जानेगा कार्यकर्ता को जानेंगे? अगर कोई सीट निकाल सकते हैं राज्यवर्धन सिंह नहीं निकाल सकते, राजपाल सिंह शेखावत ही सीट निकाल सकते हैं। सारे पार्षद मंडल अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, क्या उनकी राय? राज्यवर्धन को भगाओ, झोटवाड़ा बचाओ, राजपाल सिंह को लेकर आओ। बीजेपी आसानी से टिकट बदलेगी, और सवाल ये कि क्या टिकट बदलेगी तो फिर राज्यवर्धन के समर्थक विरोध नहीं करेंगे, और ऐसे विरोध कब तक होते रहेंगे? कैमरा पर्सन विजय करण के साथ शशि माहौल, जी मीडिया, जयपुर। और चलिए इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर।